जी दोस्तों, जी शान अली टूरिस्ट मेंटो चैनल की तरफों थोड़े वास्ते एक इनफॉर्मेटिव वीडियो लैके आया वा जी डिज्नीलैंड के मुतलक है। मैं थोड़ा कुछ टिप्स दूंगा जिड़िया थोड़े लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होनगियाँ। अगर तुम डिज्नीलैंड जा रहे हो या जाने का इरादा वा तो थोड़े वास्ते बहुत ज़्यादा ना और टिप्स जीडिया वा मुफीद साबित होनगियाँ। प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, बैल आइकन प्रेस करो तो अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करो। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी इंशाल्लाह। जी सब तो पहला असी डिस्कस कर लीए कि उन्होंने जोड़ा पास हों जो तुम पैरिस पहुँच जाते हैं डिज्नीलैंड जोड़ा पास हैगा वो ऑनलाइन भी थोड़ा मिल जाता वा तो ऑनलाइन ही मैं तो खैर परचेज किया। शुरू होंगे 55 यूरो तो लग के 75 यूरो तक ये पास होंगे आ डिफरेंट कैटागरी के होंगे आ। ये मैं थानू 2023 नवंबर की इनफॉर्मेशन दे रहा वा तो जोड़ा हों 55 यूरो वाला चीप पास आज जो डिज्नीलैंड के अंदर चले जाते हैं एंटर हो जाते हैं वो बच्चों वास्ते बड़िया भी वो थोड़िया जी एंटरटेनमेंट के उन्होंने बनाए आ शैड वगैरह जिदे ना क्यू लगी होंगी क्योंकि दुनिया का हजूम उत्थे बहुत ज़्यादा होंगे बहुत ज़्यादा खलकत उत्थे आ जड़ा वा थोनू फे क्यू के लगना पैंदा वा तो जड़ा एक्सपेंसिव पास हुंदा वा उहदे विच थोनू क्यू स्किप करा देंदे आ या कोई बंदा स्पैशल नीड होवे डिसेबल होवे उन उहदे वास्ते भी क्यू नहीं चाहिए वो उहनू स्किप करा देंदे आ। ठीक आ, मैं अपने देखने वाले सुनने वालों को यह गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम भी ना तुसी 2 दिन का पास लैके जाओ तो 1 दिन दे विच तुसी पूरा डिज्नीलैंड नहीं घूम सकते। देख लोगे लेकिन वो बड़ी ना तेज़ी दे नाल तुसी कहोगे कि यार मैं आवी कर लवां आवी कर लवां, इंजॉय नहीं तुसी करोगे, देख शायद तुसी लाओ। तो इस करके मेरी रिकमेंडेशन कि तुसी 2 दिन का पास लैके जाओ कम अज़ कम। तो दूसरा मेरे जिन्हें भी व्यूवर्स है देखने वाले सुनने वाले उन्होंने मैं एक होर चीज़ का बड़ा मैं जो देखा मेरे ना बड़ा एक्सपीरियंस होया मेल आ जा फीमेल आ कोशिश करन के वो ना ट्रेनर जा रनर वगैरह ना अपने वो पा के जान उत्थे चलना बहुत ज़्यादा पैंदा वा। अगर थोड़ी हील वाली जुत्ती होएगी ना या ड्रेस शूज़ होणगे वो तुसीं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, थोड़े एंकल जड़े आ वो दर्द करन लग पैणगे। तो बेहतर यह है कि ट्रेनर जां तुसी ना वो लैके जान अपना रनर वगैरह। दूसरी एक चीज़ होर आ अपनी अपनी दी गल आ मतलब अपने अपनी कपैसिटी दी गल आ कि बच्चे जिहड़े आ ना बच्चे अगर मेरी रिकमेंडेशन ये आ मेरी अपनी जाती राय आ तुसी गलत कह सकते हैं जे सही मैं नहीं इस गल दे उत्ते कि तुसी बच्चे जिहड़े आ ना 10 साल तो ज़्यादा होणगे ना वो ज़्यादा इंजॉय करनगे। उहदी 2 रीज़न आ मैं तुहानू क्यों कहा इस तरह कि एक तो तुसी बच्चियां नू छोटे बच्चे होणगे ना वो वेरी एक 2-3 घंटे बाद थक जाएंगे चल चल के, उन्होंने कहना कि सानू तुसी उठाओ। तो बेहतर यह है कि 10 साल तो ज़्यादा बच्चे होणगे ना तुहानू चुकना नहीं पएगा तो चलते रहेंगे बच्चे थोड़े नाल 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 तो छोटे बच्चों ने चुकना पैंदा वा तुसी थक जाओगे तुसी मतलब जो इंजॉय कर उत्थे जाना वा तो वो तुसी नहीं कर सकते। तो बाकी वो जगह जिहड़ी आ देखने दे काबल आ कि मैजिकल प्लेस आ वो बिल्कुल ही दुनिया तो एक अजीब शै वा मेरे मैं तो पहली दफ़ा कहते कि लाइफ से एक दफ़ा एक्सपीरियंस वाला करना चाहिए वा बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन्हें भी मेरे दोस्त अहबाब आ सुनने वाले देखने वाले वो जरूर एक दफ़ा जान उन्होंने विजिट जरूर करन। हाँ जी, तो उत्थे परेड शुरू होंदी आ दोपहर को 3:30 बजे तो डिज्नीलैंड 10 बजे सुबह खुल जाता वा। मैं नवंबर की गल करना मे बी समर टाइम डिफरेंट टाइमिंग हो लेकिन 10 बजे नवंबर खुल जाता वा। तो राती 10:30-11 बजे 11:30 बजे 11-11:30 बजे बंद हो जाता सगा उहदी परेड शुरू होंदी आ 3:30 बजे दोपहर नूं ते परेड 1/2 घंटे की होंगी है जिदे मुख्तलिफ करैक्टर आते हैं उत्थे ना वो एक बाउंड्री ला देंगे तुसी उस तो अगे नहीं जा सकते तो करैक्टर ही सिर्फ घूमते हैं जैसे सेंड्रेला वा या दूसरे मिकी माउस आ सांता क्लॉस आ इस तरह के मतलब ना वो घूमते हैं।
वो जिहड़ा उन्होंने ट्रैक बनाया हुंदा वा वो 3:30 बजे तो लगता 4 बजे तिकर 4:05 तिकर ख़त्म हो जाती है। उस तो बाद 9:30 बजे उत्थे फायरवर्क शुरू हुंदा वा जिहड़ा बहुत ही अमेजिंग आ ते देखन दे काबल आ। छोटे बच्चे तो लगता ज़ईफ तिकर बड़े बुढ़े जिहड़े आ वो भी उन्होंने लाइक बहुत पसंद करते आ। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया फायरवर्क्स देखने दे काबल आ। तो वो 9:30 बजे तो लगता तकरीबन 10:05 तिकर या 10 मिनट तिकर चलते आ फायरवर्क्स। तो ये 9 नवंबर की गल हो रही है 2023 की। देखने दे काबल आ जरूर जाओ। तो एक मैं होर थानू गल दसांगा दो टिप्स हैगियां वा। उत्थे एक तो यह आ कि तुसी अगर जाना चाहते हैं बच्चियां दे नाल या तुसी आप भी जाना चाहते हैं अराउंड तुसी 2 बजे जाओ दोपहर दे 2 बजे 1 बजे 2 बजे तुसी उसे जाओ फिर वो तुरो अपना तुसी वो देखो परेड देखो। परेड तो बाद तुसी जो भी इंटरटेनमेंट बच्चों देनी है झूले शूले ये वो या तुसी वो ट्रेन की राइड लैनी है वो तुसी कर सकते हैं परेड तो बाद ते जेड़ी फायरवर्क्स तो पहले पहले ते वो तुसी जरूर करो। ते तीसरी जेड़ी चीज़ है वो तुसी ना उत्थे अपना होशियार रहना वा। उत्थे पिक पॉकेट जेड़े करते आ वो बहुत ज़्यादा लोग आ वो खैर ऐलान भी बार बार करते आ तुसी अपना हफाजत अपने समान की आप करनी है कोई पैसे या जो भी आ अपना ख्याल रखियो। ते दुआवां च मैनू याद रखियो जी। शुक्रिया। Ha ha ha!